दोस्तों Hyundai Motor बहुत ही जल्द भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम 7 सीटर SUV Hyundai Alcazar का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने वाली है, जिसे कि भारतीय सड़कों पर परीक्षण करते हुए देखा गया है। दोस्तों Hyundai ने पहली बार Alcazar को 2021 में पेश किया था और ये क्रेटा पर आधारित SUV है, लेकिन लंबे व्हीलबेस संस्करण के साथ। दोस्तों Hyundai Alcazar भारतीय बाजार में टाटा सफारी और महिंद्रा XUV 700 जैसे गाड़ियों से मुकाबला करती है और आज हम इस वीडियो में आपको नई जनरेशन Hyundai Alcazar फेसलिफ्ट के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसके इंटीरियर की बात करें तो इस गाड़ी में आपको डुअल टोन थीम के साथ नई लेदर सीट्स मिलने वाली है और इसके अलावा उम्मीद है कि इसके डैशबोर्ड डिजाइन और सेंट्रल कंसोल में भी कुछ परिवर्तन किया जाएगा। दोस्तों गाड़ी वर्तमान संस्करण के सामने ही 7 सीटर लेआउट और 6 सीटर लेआउट के साथ पेश की जाएगी। दोस्तों इसके फीचर्स की बात करें तो Hyundai इसे अपनी नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा के सामान्य फीचर्स के साथ पेश करेगी और इससे बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो के साथ एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिलने वाली है। दोस्तों अन्य हाइलाइट्स में 360 डिग्री कैमरा, आगे की तरफ वेंटिलेटेड सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 360 डिग्री कैमरा, सेकेंड लाइन के लिए AC वेंट्स और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलने वाला है। दोस्तों इसके इंजन की बात करें तो कंपनी 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का प्रयोग करेगी, जो कि 5500 RPM पर 160 bhp की पावर बनाती है, जबकि 1500 से 3000 RPM के बीच 253 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है और ये इंजन विकल्प 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाता है। और इसके अलावा दूसरी इंजन जो कि 1.5 लीटर 4 सिलेंडर CRDI डीजल इंजन विकल्प को भी संचालित करने वाली है, जो कि 116 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। दोस्तों ये इंजन विकल्प 6 स्पीड MT और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ आता है। दोस्तों इसकी सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो कंपनी इसके सुरक्षा में अब स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग को संचालित करने की संभावना है और इसके अलावा ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल मिलने वाला है। और इसके अलावा उम्मीद है कि कंपनी इसे एडास तकनीक के साथ पेश करेगी, जिसे कि केवल टॉप वेरिएंट में ही उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों एडास तकनीक के अंदर इसे आगे और पीछे टकराव से बचाती है और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, लाइन से बाहर जाने पर चेतावनी, लाइन में वापस लाना, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग शामिल होगी। दोस्तों इसकी कीमत भी वर्तमान मॉडल की कीमत से प्रीमियम होने वाली है, जबकि इसे 2024 के मिडिल में भारतीय बाजार में पेश करने की उम्मीद है। और Hyundai Alcazar फेसलिफ्ट का मुकाबला भारतीय बाजार में मुख्य रूप से महिंद्रा XUV 700, टाटा सफारी, टाटा हैरियर, MG हेक्टर प्लस जैसी गाड़ियों से होती है। तो दोस्तों हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।